सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं फेस ऑफ के बारे में। ये कहानी है एक FBI एजेंट और एक क्रिमिनल की, और ये एजेंट कैसे भी उस क्रिमिनल को पकड़ना चाहता है ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। लेकिन जल्दी ही इस एजेंट के लिए सारी की सारी चीजें बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक मेले को देखते हैं, और यहीं पर एक FBI एजेंट होता है जिसका नाम है शॉन आर्चर। और शॉन यहाँ पे अपने बेटे के साथ होता है जिसका नाम है माइकल। और शॉन अपने बेटे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है, इसीलिए वो उसे झूला झूला रहा होता है। तभी यहाँ से थोड़ी दूरी पर हम एक क्रिमिनल को देखते हैं जिसका नाम है कैस्टर। और कैस्टर के हाथ में यहाँ पे एक बंदूक होती है, और वो यहाँ पे शॉन को मारने आया है, इसीलिए वो उस पर निशाना लगाने लगता है। और थोड़ी देर के बाद शॉन जैसे ही उसके निशाने पे आता है वो ट्रिगर दबा देता है, और ये गोली जाकर के शॉन को लग जाती है। लेकिन ये गोली शॉन के शरीर के आर पार हो जाती है और जाकर के लग जाती है माइकल को। और जैसे ही माइकल को गोली लगता है उसकी यहीं पे मृत्यु हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद शॉन टूट जाता है और वो अपने बेटे को गले से लगा करके रोने लगता है। और इसी तरीके से समय बीतने लगता है, और अब हमारे सामने आता है 6 साल बाद का दृश्य। और हम देखते हैं कि शॉन अभी भी परेशान है, और वो अभी तक बदले की आग में जल रहा है, और वो पिछले 6 साल से कैस्टर की तलाश में है, क्योंकि उसे पता है कि उसके बेटे को कैस्टर ने ही मारा है, इसलिए वो हर जगह उसकी तलाश कर रहा है। और उसने कैस्टर के बारे में इतनी जानकारियां हासिल कर ली है जितनी जानकारी कैस्टर को भी उसके बारे में नहीं होगी, और उसे हर उस आदमी के बारे में पता है जो कैस्टर के नजदीक है। तभी हम कैस्टर को देखते हैं, और कैस्टर ने अभी एक पादरी का विश बना रखा है, इसीलिए वो एक चर्च में जाता है और यहाँ पे एक बहुत ही बड़े बम को प्लांट करता है, और अगर ये बम फटा तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। तभी हम शॉन को देखते हैं, और शॉन को पता लगता है कि कैस्टर के भाई को एयरपोर्ट पे देखा गया है जिसका नाम है पोलक्स, और पोलक्स के पास बहुत सारे पैसे भी मिले हैं। और शॉन इतने दिनों से इसी रिसर्च में लगा हुआ था, इसीलिए उसे पता है कि पोलक्स कैस्टर का भाई है। और शॉन को लगता है कि यह सही मौका है जब वो पोलक्स के थ्रू कैस्टर तक पहुंच सकता है, क्योंकि पोलक्स ने यहाँ पे एक प्राइवेट जेट खरीदा है, इसीलिए अब शॉन यहाँ से अपनी टीम को लेकर के निकल पड़ता है। तभी हम पोलक्स को देखते हैं जो एयरपोर्ट पे है और अपने प्राइवेट जेट के पास अपने भाई का इंतजार कर रहा है। तभी यहाँ पे कैस्टर आता है, और वो बहुत ही खुश होता है अपने छोटे भाई को देख के, और कहता है कि अब हमें शहर से रवाना होना पड़ेगा क्योंकि इस शहर का अंत आ चुका है, और जैसे ही वो बॉम फटेगा इस पूरे शहर के चीथड़े उड़ जाएंगे। और इतने कहने के बाद ये दोनों जाकर के बैठ जाते हैं प्राइवेट जेट में। तभी यहाँ पे शॉन अपने पूरे टीम को लेकर के आ जाता है, और वो इन पे हमला करने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद ये लोग जल्दी से टेक ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शॉन ने इन्हें हर तरफ से घेर रखा है, इसीलिए इनके लिए टेक ऑफ बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। लेकिन कैस्टर ऐसे ही जबरदस्ती करते रहता है, और इसी जबरदस्ती के चक्कर में उसका जेट जाकर के टकरा जाता है घर से, और वहीं पर वो प्लेन रुक जाता है। इसीलिए अब पोलक्स और कैस्टर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन शॉन भी बिल्कुल मुस्तैद है, इसीलिए समय मिलते ही वो कैस्टर पर टूट पड़ता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन लड़ते समय यहाँ पे कैस्टर उकसा रहा होता है शॉन को, और वो उसके बेटे के मौत के बारे में उसे याद दिलाता है और कहता है कि सुना है मैंने कि तुमने नई शादी कर ली है और तुम्हारी एक खूबसूरत बेटी भी है। तब इन बातों को सुनने के बाद शॉन और भी ज्यादा भड़क जाता है, इसीलिए ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और इनके बीच घमासान लड़ाई होने लगती है। लेकिन कैस्टर बार बार यहाँ पे चालाकी करने की कोशिश करता है, और अंत में शॉन उसे उसकी ही चालाकी में फंसा देता है, इसीलिए कैस्टर खींचा हुआ चला जाता है एग्जॉस्ट की तरफ, जहाँ वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। फिर कैस्टर को लेकर के जाया जाता है हॉस्पिटल, और सबको पता लगता है कि कैस्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, और हर जगह यह खबर फैल जाती है कि कैस्टर की मौत हो चुकी है। इसीलिए अब शॉन भी अपने घर चला आता है, और यहाँ पर हम शॉन की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है ईव, और यहाँ पर हम शॉन की बेटी को भी देखते हैं जिसका नाम है जैमी। लेकिन शॉन ज्यादातर खोया रहता था, क्योंकि वो हमेशा ही अपने बेटे के बारे में सोचता था और कैस्टर के बारे में कि वो बदला कैसे लेगा। इसीलिए अब ईव को लगता है कि अब धीरे धीरे शॉन की हालत ठीक होगी और वो अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पाएगा। और वो सारी की सारी बातें ईव को बताता है कि अब कैस्टर मर चुका है और हमने उसके भाई को भी पकड़ लिया है, और अब वो किसी को भी परेशान नहीं कर पाएंगे। और इन सारी बातों को सुनने के बाद ईव के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन अगली सुबह शॉन जैसे ही ऑफिस पहुंचता है, ये लोग बताते हैं कि जब हमने उसके प्लेन की तलाशी ली तब हमें अंदर एक फ्लॉपी ड्राइव मिला, और उसमें देखने के बाद हमें पता लगा कि इन लोगों ने शहर में एक बहुत बड़ा बॉम्ब लगाया है जो अगले कुछ दिनों में ब्लास्ट होने वाला है, और अगर वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब पूरे शहर का नक्शा बदल जाएगा, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी उस बॉम्ब के बारे में पता लगाना पड़ेगा। तब इस बात को सुनने के बाद शॉन फिर से परेशान हो जाता है, और वो जाता है पोलक्स के पास और उससे बॉम्ब के बारे में पूछता है, लेकिन पोलक्स इन्हें कुछ भी नहीं बताता। और ये लोग समझ जाते हैं कि पोलक्स का मुंह खुलवाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, और वो इन्हें ऐसे ही परेशान करता रहेगा, और अब वो जेल जा चुका है, इसीलिए लोग चाह के भी उसे टॉर्चर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब एक बार फिर से शॉन की परेशानियां बढ़ने लगती हैं, इसीलिए वो एक एक करके कैस्टर के सारे साथियों को पकड़ने लगते हैं और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बताता। तब शॉन यहाँ पे पकड़ता है कैस्टर की गर्लफ्रेंड,
गर्लफ्रेंड को जिसका नाम है साशा, लेकिन साशा भी इन्हें ज्यादा जानकारियां नहीं देती। लेकिन वो इशारे में इन्हें बता देती है कि अगले 3 दिन में ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो बॉम्ब कहाँ पे है। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद अब इनका पूरा का पूरा डिपार्टमेंट परेशान होने लगता है। तभी इनसे मेडिकल टीम वाले मिलते हैं और वो शॉन को बताते हैं कि कैस्टर अभी भी जिंदा है, लेकिन वो कोमा में है और उसे शायद कभी भी होश ना आए। लेकिन ये डॉक्टर उसके अलावा एक और तरकीब बताता है यहाँ पे शॉन को और कहता है कि हमारे पास कुछ बहुत ही बेहतरीन सर्जन है और उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक तकनीक इजाद की है जिसमें वो तुम्हारे चेहरे को बदल करके कैस्टर का चेहरा लगा देंगे तुम्हारे चेहरे पे और उसकी मदद से तुम कहीं उस बॉम्ब का पता लगा पाओगे, क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट परेशान है उस बॉम्ब को लेकर के, और अगर वो बॉम्ब फटा तो शहर का नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए हमारे पास आखिरी रास्ता यही है कि तुम कैस्टर बन के जाओ पोलक्स के पास और उससे पता लगा लो कि बॉम्ब कहाँ पे है। तब शॉन भी इस बारे में सोचने लगता है और कहता है लेकिन इस केस के खत्म होने के बाद क्या होगा। तब वो डॉक्टर बताती है कि हम तुम्हारे चेहरे को फिर से बदल देंगे, क्योंकि तुम्हारे चेहरे को हम तब तक सुरक्षित रखेंगे जब तक तुम इस केस को खत्म ना कर दो, और केस के खत्म होते ही तुम फिर से शॉन बन जाओगे और किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगेगी। तब शॉन भी इस काम के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो मिशन पे जाने से पहले अपनी पत्नी से मिलता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं बताता। इसीलिए अभी भी एक बार फिर से परेशान होने लगती है क्योंकि वो देखती है कि शॉन फिर से परेशान होने लगा है। इसीलिए वो कहती है कि इस मिशन पे जाओ और सारी चीजों को खत्म करके मेरे पास वापस आना। तब शॉन निकल पड़ता है और जल्दी ही शॉन का ऑपरेशन होता है और उसके चेहरे को हटा दिया जाता है, और अब ये लोग उसके चेहरे पे कैस्टर का चेहरा लगा देते हैं और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है जिससे सारे लोग खुशियां मनाने लगते हैं। लेकिन शॉन की आवाज अभी भी अलग है, वो कैस्टर की तरह नहीं है। तब ये लोग एक डिवाइस लगाते हैं शॉन के गले जिससे उसकी आवाज कैस्टर की तरह हो जाए, और अब यहाँ से इनकी अगली प्लानिंग शुरू होती है कि कैस्टर अभी भी जिंदा है और उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और अब उसे जेल में डाला जाएगा। और शॉन को अब उसी जेल में डाला जाता है जहाँ पे पोलक्स है, लेकिन इस जेल की सिक्योरिटी बहुत ही खतरनाक है, यहाँ से निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि सारे के सारे कैदियों के पैरों में हाईटेक बेड़ियां लगी हुई है जिससे वो इनकी मर्जी के मुताबिक कहीं भी नहीं जा सकते। इसीलिए अब शॉन ऐसे इस जेल में घूमने लगता है और वो तरकीब लगाने लगता है कि वो पोलक्स तक कैसे पहुंचेगा, लेकिन इसी बीच एक कैदी उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो कैदी कैस्टर से नफरत करता है क्योंकि कैस्टर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसके परिवार को भी सताया उसने। लेकिन इस चीज को देख करके अब शॉन चौंक जाता है, तब उसे एहसास होता है कि वो कैस्टर है। तभी वो सामने पोलक्स को देखता है, फिर वो कैस्टर की तरह हरकतें करने लगता है और इस कैदी को बहुत ही बेरहमी के साथ पीटता है। तभी यहाँ पे सारे के सारे गार्ड्स चले आते हैं और वो इन दोनों को अलग करते हैं, लेकिन अब शॉन के पास पोलक्स आता है और उसे विश्वास नहीं होता कि उसका भाई अभी तक जिंदा कैसे है। तब शॉन उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि मैं कोमा में चला गया था लेकिन मैं ठीक हो गया, लेकिन ठीक होते ही पुलिस वालों ने मुझे जेल में डाल दिया, लेकिन जब से मैं कोमा से बाहर आया हूँ मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ और हमेशा ही मेरे सर में दर्द रहता है और मुझे सारी चीजें धुंधली नजर आ रही है और उसमें इस आदमी ने मुझसे झगड़ा कर लिया, पता नहीं मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। तब पोलक्स कहता है कि लगता है तुम भूल गए, तुम इसकी पत्नी के साथ सोया करते थे। तब इस बात को सुनने के बाद शॉन भी हंसता है और वो ऐसे ही पोलक्स से बातें करने लगता है और अपनी याददाश्त का बहाना बना करके वो सारी की सारी खबरें बाहर निकलवाता है और अंत में उसे बॉम्ब के बारे में भी पता लग जाता है। और जैसे ही शॉन को बॉम्ब के बारे में पता लगता है वो खुश हो जाता है और उसे लगता है कि अब उसका मिशन खत्म हो चुका है और अब वो जल्दी से बाहर निकलेगा और बॉम्ब को डिफ्यूज करेगा और अपना चेहरा भी वापस ले लेगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कैस्टर को, और अब कैस्टर भी कोमा से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि उसका चेहरा गायब है और उसके चेहरे से सारे के सारे मांस गायब हो चुके हैं, जिस चीज को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो तुरंत कॉल करता है अपने साथियों को और उसके साथी जैसे ही यहाँ पे आते हैं वो सारे के सारे डॉक्टर्स को बंधक बना लेते हैं। फिर कैस्टर उनसे सारी की सारी बातें पूछता है, तब डॉक्टर उसे पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा हमने लगा दिया शॉन को और शॉन अभी जेल में है तुम्हारे भाई के पास और वो उस बॉम्ब के बारे में पता लगवा रहा है। तब इस बात को सुनने के बाद कैस्टर हंसने लगता है और कहता है कि असली खेल तो अब शुरू होगा जब तुम लोग शॉन का चेहरा मेरे चेहरे पे लगाओगे, और इतना कहने के बाद वो इन डॉक्टर्स को मारने लगता है। तब डॉक्टर्स को मजबूरन यहाँ पे शॉन का चेहरा कैस्टर को लगाना पड़ता है, और जैसे ही कैस्टर को यहाँ पे शॉन का चेहरा मिलता है वो इन सारे डॉक्टर्स को मार देता है ताकि किसी को भी इस बारे में कोई भी भनक ना लगे, और वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम शॉन को देखते हैं जिसने डॉक्टर्स को यहाँ पे बुलाया था ताकि वो उसे जेल से बाहर निकलवा सके। तभी गार्ड्स बताते हैं कि तुमसे कोई मिलने आया है, और जैसे ही शॉन बाहर जाता है वो अपने सामने कैस्टर को देखता है जिसने अब उसका चेहरा लगा रखा है, और इस चीज को देखने के बाद अब शॉन बहुत चक्का रह जाता है और वो समझ जाता है कि कैस्टर ने सारे के सारे डॉक्टर्स को मार दिया है। तभी कैस्टर आता है शॉन के पास और कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है शरीफों की जिंदगी जीने के बाद, और मुझे ये जिंदगी पसंद आ रही है, और मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज रात के लिए जब मैं तुम्हारे घर जाऊंगा।
और हमारी पत्नी से मिलूंगा। तब इस बात को सुनने के बाद शॉन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह यहाँ पे मारने की कोशिश करता है कैस्टर को, लेकिन उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं और शॉन समझ जाता है कि अब वो बुरी तरीके से फंस चुका है, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी प्रूफ नहीं कर पाएगा कि वो शॉन है ना कि कैस्टर। तभी हम कैस्टर को देखते हैं जो पहुंचता है शॉन के घर पे और वो उसकी पत्नी से मिलता है और उसके साथ साथ वो उसकी बेटी को भी हवस भरी निगाहों से देखता है। और धीरे धीरे अब कैस्टर अपनी प्लानिंग करने लगता है और वो सबसे पहले जाता है अपने भाई के पास और उसे ऑफिस में लाता है और सबको कहता है कि पोलॉक्स बॉम्ब की लोकेशन बताने को तैयार है, लेकिन उसके बदले में हमें उसे रिहा करना पड़ेगा, और सारे लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। तब कैस्टर पहुंचता है पोलॉक्स के पास और उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि इस बॉम्ब को मैं डिफ्यूज कर दूंगा और फिर हर जगह का हीरो बन जाऊंगा और मुझे प्रमोशन भी मिलेगा, तब मेरे हाथ में ज्यादा ताकत होगी और जैसे जैसे मेरी ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे मैं इस शहर में क्राइम बढ़ाऊंगा और हम दोनों बड़े बनते जाएंगे और इस खेल में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अब हमें किसी से भी छुपना नहीं पड़ेगा और हमें भागना नहीं पड़ेगा और हमारे पास अंदर की सारी खबरें होंगी और हम सबसे पहले अपने सारे दुश्मनों का खात्मा करेंगे। और पोलॉक्स को भी ये प्लान बहुत पसंद आता है, इसीलिए अब ये लोग पहुंचते हैं बॉम्ब की लोकेशन पे और सारे लोग बॉम्ब को डिफ्यूज करने लगते हैं, लेकिन इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है और इनके पास समय बहुत ही कम है। तब कैस्टर यहाँ पे फिर से अपनी चलाकी दिखाता है और वो सबको बाहर निकाल देता है और कहता है कि अब मैं इस बॉम्ब को देख लूंगा, लेकिन कैस्टर को इस बॉम्ब का पासवर्ड मालूम है, इसीलिए वो पासवर्ड दबाता है और बॉम्ब को रोक देता है। लेकिन अब पूरे शहर में यह खबर फैल जाती है कि शॉन ने अपने जान पे खेल करके उस बॉम्ब को डिफ्यूज किया, इसीलिए अब कैस्टर हर जगह का हीरो बन जाता है, लेकिन सबको लगता है कि यह सब कुछ शॉन कर रहा है और शॉन को जेल में यह बात पता लग जाती है, इसीलिए और भी ज्यादा परेशान होने लगता है और वो कैसे भी इस जेल से बाहर जाना चाहता है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसे सबसे पहले अपने बूट से छुटकारा पाना पड़ेगा जो बहुत ही हाईटेक है। तब शॉन को पता लगता है कि जब किसी को मेडिकल रूम में लेकर के जाया जाता है तब उसके जूते उतार दिए जाते हैं। तब इस बात को सुनने के बाद शॉन प्लानिंग करने लगता है, वो एक आदमी से झगड़ा करता है और उसे बहुत पीटता है और खुद भी मार खाता है और उसे घायल देखने के बाद अब गार्ड्स उसे लेकर के जाते हैं मेडिकल रूम में। तब शॉन को पता लगता है कि यहाँ पे लाने के बाद कैदियों को टॉर्चर किया जाता है और अभी उन लोगों ने उसी आदमी को टॉर्चर किया है जिससे शॉन का झगड़ा हुआ था यहाँ आते ही, और अब वो लोग शॉन को टॉर्चर करने वाले होते हैं, इसीलिए वो लोग उसके जूते उतार देते हैं। तब शॉन उस आदमी से मदद मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी कभी भी गलत नहीं किया और अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम दोनों यहाँ से भाग सकते हैं, और वो आदमी भी राजी हो जाता है। इसीलिए जैसे ये लोग शॉन को टॉर्चर करने वाले होते हैं वो आदमी यहाँ के डॉक्टर्स पे हमला कर देता है और गार्ड्स पे, और ये सब लोग लड़ने लगते हैं और एक एक करके सबको बेहोश करके आगे निकलने लगते हैं। फिर वो यहाँ के सिस्टम्स को बंद करने लगते हैं जिससे कैदियों में हलचल मच जाती है और पूरे जेल में लोग चिल्लाने लगते हैं और हर जगह लोग लड़ रहे होते हैं, और यही सही मौका होता है जब ये लोग बाहर जा सकते हैं। फिर ये दोनों बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन अब सारे कैदी आपस में लड़ रहे हैं और यहाँ का माहौल बहुत ही खराब हो चुका है। इसी बीच इसका साथी ऊपर से लटक जाता है और शॉन उसे बहुत बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वो नीचे गिर के मर जाता है। इसलिए शॉन यहाँ से अकेला भागने लगता है और भागते भागते वो जाता है जेल की छत पे। तब उसे पता लगता है कि ये सारा का सारा जेल पानी के बीचों बीच है, इसीलिए शॉन और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। तभी यहाँ के गार्ड्स हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं और इस पे गोलियां चलाने लगते हैं। तब शॉन के पास पानी में कूदने के अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो देखते ही देखते पानी में कूद जाता है और गार्ड्स ऐसे ही गोलियां चलाते रहते हैं। तभी दूसरी तरफ हम कैस्टर को देखते हैं और उसे पता लग जाता है कि शॉन अब जेल से भाग चुका है, लेकिन सबका कहना है कि वो मर चुका है, लेकिन किसी को भी उसकी लाश नहीं मिली है। लेकिन इन चीजों को देखने के बाद कैस्टर समझ जाता है कि अब शॉन उसके पीछे आएगा। तभी हम शॉन को देखते हैं जो अपनी पत्नी के पास कॉल करता है और उसे सारी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उस पर विश्वास नहीं होती और उसे ये बातें बहुत ही बेफिजूल लगती हैं, इसीलिए वो फोन रख देती है। और शॉन समझ जाता है कि अब उसे कुछ अलग करना पड़ेगा। फिर उसे ख्याल आता है कि अगर कैस्टर उसकी जिंदगी जी रहा है तब शॉन अब कैस्टर की जिंदगी जिएगा, इसीलिए वो पहुंचता है कैस्टर की गर्लफ्रेंड के पास यानी साशा के पास, और साशा के साथ उसका भाई भी होता है जिसका नाम है डिट्रिच, और वो उनके साथ रहने लगता है। लेकिन जब वो साशा से मिलता है तब उसे पता लगता है कि यहाँ पे कैस्टर का एक बेटा भी है और ये दोनों बहुत दिनों से रिलेशन में है, और साशा सच में चाहती है कैस्टर को, लेकिन कैस्टर ने हमेशा इन चीजों को मजाक में लिया है। तभी हम पोलॉक्स को देखते हैं जो यहाँ पे शॉन को देख लेता है और वो समझ जाता है कि शॉन यहाँ पे क्या करना चाहता है, इसीलिए वो तुरंत इस बात को बताता है कैस्टर को, और कैस्टर अपने पूरी टीम को लेकर के पहुंच जाता है और वो यहाँ आने के बाद शॉन को मारने की कोशिश करता है और वो सबको मारने लगता है और वो साशा को भी मारने की कोशिश करता है ताकि कोई भी सबूत ना छूट जाए, लेकिन शॉन यहाँ पे साशा को बचाता है और उसके साथ साथ उसके बेटे को भी, लेकिन इस हादसे में डिट्रिच मारा जाता है और लगभग इनके सारे लोग, इसीलिए अब शॉन यहाँ से भागने लगता है। तभी रास्ते में उसे पोलॉक्स मिलता है, तब शॉन यहाँ पे पोलॉक्स को मार देता है, लेकिन अब शॉन भी घायल हो जाता है। लेकिन जैसे ही कैस्टर अपने भाई की लाश को देखता है वो आग बबूला हो जाता है, लेकिन अब शॉन भागता हुआ पहुंचता है अपने घर पे जहाँ उसकी मुलाकात होती है अपनी पत्नी से, लेकिन वो यहाँ पे उसे देख करके डर जाती है और उसे लगता है कि कैस्टर उसे मारने आया है। तब शॉन उसे सारी बातें बताने लगता है, लेकिन ईव बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं होती। तब वो उसे बहुत ही मुश्किल से शांत करवाता है और अपनी हर एक बात बताने लगता है, लेकिन ईव को अभी भी इस पे भरोसा नहीं है और कहती है कि तुमने ये सारी की सारी बातें पता लगाई होंगी शॉन
शॉन से। तब शॉन कहता है कि हमारे पास एक और रास्ता है, तुम्हें मेरा ब्लड ग्रुप पता है, इसीलिए तुम एक बार जाकर के कैस्टर का ब्लड ग्रुप चेक करना, फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि इंसान का ब्लड ग्रुप कभी नहीं बदलता और उसका ब्लड ग्रुप मेरे ब्लड ग्रुप से अलग है। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी भी इस बारे में सोचने लगती है और वो जल्दी ही जाती है कैस्टर के पास और उसके ब्लड का सैंपल ले लेती है और लैब में पहुंचती है और उसे पता लगता है कि इसका ब्लड ग्रुप अलग है, इसीलिए अबीब को भरोसा हो जाता है। तभी यहाँ पे शॉन आता है और इन दोनों ने जितने भी हसीन लम्हे साथ बिताए हैं वो उनका जिक्र करने लगता है, इसीलिए अबीब भी रोने लगती है और शॉन भी, और अबीब को यहाँ पे शॉन पे भरोसा हो जाता है। तभी हम कैस्टर को देखते हैं और उसे भी अबीब पे शक हो चुका है कि वो कुछ ना कुछ तो जानती है। फिर भी कैस्टर अपने काम को जारी रखता है और वो सबसे पहले अपने सीनियर को मारता है ताकि उसके मरने के बाद उसका पद उसे मिल जाए और कैस्टर जितना पावरफुल होगा वो उतनी जल्दी तबाही फैला सकेगा। लेकिन अब कैस्टर यहाँ पे अबीब के साथ जाता है अपने सीनियर के फ्यूनरल पे और यहाँ पे शॉन भी आया होता है। फिर शॉन इंतजार करने लगता है कि कैस्टर अकेला कब होगा और थोड़े समय के बाद कैस्टर जैसे ही अकेला होता है शॉन उसके सामने जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन कैस्टर यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आया है, इसीलिए उसने हर जगह अपने आदमी फैला रखे हैं। तभी हम देखते हैं कि शॉन भी यहाँ पे तैयारी के साथ आया है और वो साशा और उसकी पूरी टीम को लेकर के आया है। लेकिन कैस्टर ने यहाँ पे शॉन की पत्नी को भी रखा है, इसीलिए अब सारे लोग एक दूसरे पे बंदूकें तान देते हैं और देखते ही देखते यहाँ पे हर तरफ गोलियां चलने लगती हैं और सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। और शॉन यहाँ पे भारी पड़ता है कैस्टर पे और उसके आदमियों को मार रहा होता है। लेकिन इसी बीच कैस्टर गोली चलाता है और वो साशा को मार देता है, क्योंकि वो कभी भी साशा को नहीं चाहता था। लेकिन साशा को मरा हुआ देखने के बाद शॉन को बहुत ज्यादा दुख होता है, इसीलिए वो एक बार फिर से इन्हें मारने लगता है। और जब कैस्टर देखता है कि ये लोग कमजोर पड़ रहे हैं तब वो अपनी आखिरी बाजी खेलता है और वो यहाँ पे शॉन की बेटी को लाता है, यानी जैमी को। लेकिन जैमी को पता नहीं है कि इनके चेहरे बदल चुके हैं, इसलिए वो चली जाती है कैस्टर के पास और कैस्टर इस चीज का फायदा उठाता है और वो जैमी के सर पे बंदूक तान देता है। तब जैमी को सारी बातें पता लगती हैं, इसीलिए जैमी अपना चाकू निकालती है और उसे मार देती है कैस्टर को, और कैस्टर घायल होकर के यहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब शॉन उसके पीछे है, कैस्टर भागता जाता है और वो उसे पकड़ते जाता है। फिर अंत में कैस्टर एक बोट से भागने लगता है लेकिन शॉन अभी भी उसके पीछे है। और अब इन दोनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ अभी भी ये सारी बातें बताती है FBI वालों को और उन्हें ये बात भी बताती है कि कैस्टर ने कैसे अपने सीनियर्स को मारा है। और FBI वालों को जल्दी ही भरोसा हो जाता है क्योंकि उन्हें शॉन पे पहले से शक था, इसीलिए अब FBI की पूरी टीम निकल पड़ती है। तभी हम शॉन को देखते हैं जो कैस्टर का पीछा कर रहा है और कैस्टर बार बार उस पे हमला करता है, लेकिन शॉन उसका पीछा नहीं छोड़ता क्योंकि वो जानता है कि अगर कैस्टर यहां से भाग गया तो उसके साथ साथ इसका चेहरा भी चला जाएगा। इसीलिए शॉन अपनी पूरी जान लगा देता है और अंत में वो कैस्टर को पकड़ करके किनारे पे लाता है जहां पे FBI की पूरी टीम चली आती है। लेकिन अब वो लोग शॉन को नहीं पकड़ते बल्कि कैस्टर को पकड़ते हैं और इस चीज को देखने के बाद शॉन खुश हो जाता है क्योंकि वो कैस्टर की शक्ल में है। तभी वहां पे ईव आती है और कहती है कि मैंने सर्जन्स को बुला लिया है और वो जल्दी ही तुम्हारे चेहरे को बदल देंगे। और ऐसा ही होता है, जल्दी ही सर्जन्स आते हैं और अब वो इन दोनों के चेहरे को बदल देते हैं और शॉन को फिर से अपना चेहरा मिल जाता है। इसीलिए वो पहुंचता है अपने घर पे और उसके परिवार वाले उसे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन शॉन यहाँ पे अपने साथ एक बच्चे को लाया है और ये बच्चा साशा का बेटा है क्योंकि अब इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए शॉन इसे अपने पास रखने वाला है और इब भी इस बात के लिए राजी होती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।